अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी? क्या कर रहे हैं? होमवर्क का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज क्या काम मिलने वाला है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। चलिए जी, काम करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले अपनी किताब हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? सबसे पहले कलमा पढ़ते हैं, शाबाश, वेरी गुड। और उसके बाद जी मुँह धो के अच्छे से टीथ ब्रश करके नाश्ता करके क्या करते हैं? तिलावत कुरान पाक, वेरी गुड, शाबाश, जज़ाकल्ला, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपने कभी ये सोचा है ये कुरान शरीफ हमारे पास कैसे आया? पता है आप लोगों को? ये हमारे पास वही के ज़रिए आया, यानी कि अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपना पैगाम भेजते थे, जो कि वही की सूरत में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरता था, ठीक है। और फिर इस तरह से ये हमारे पास कुरान शरीफ की सूरत में महफूज हो गया। आज हम इसी सिलसिले का एक सबक पढ़ेंगे, एक नज़म पढ़ेंगे जो कि नज़म की सूरत में है, ठीक है। आपने उसे गौर से सुनना है, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हमारी ये किताब है, किताब कौन सी है जी? हमारी है उर्दू की सिलसिला साल सोम। उसमें हम स्टार्ट करेंगे और हमारे सबक का नाम है बाब नंबर 2 है और उसका नाम है पैगाम आ गया, पैगाम आ गया, पैगाम आ गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। इस पैगाम को वही कहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि काफ़ी दिन तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना आए, वही आने का सिलसिला रुक गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ना आने से बहुत उदास हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है। तब अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही देकर भेजा। इस वही को सूरत ज़ुहा कहते हैं। यह कुरान की 93 सूरत है। अब इसको सुनते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है वही जब नहीं भेजी थी तो क्या हुआ था। इसको हमने एक नज़म की सूरत में यहाँ लिखा है, ठीक है, आप इसको गौर से सुनिएगा। ये किस्सा है सच्चा हमारे नबी का, रुका था जब उन पर आना वही का। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, किया कुछ ऐसा कि एतराज है। वो ये सोच कर परेशान थे वही के नाने पे हैरान थे। अल्लाह का बिलाखिर पैगाम आ गया, जिसे आज कहते हैं सूरज़ुहा। कसम खाई पहले सुबह रात की, फिर अल्लाह ने कुछ इस तरह बात की। नहीं है आपसे कोई नाराज़गी, ना है बात कोई एतराज़ की। अल्लाह ने आपसे ये वादा किया, जन्नत आपकी मेहनत का है सिला।
हर जगह आपका जिक्र व कलाम हो, सिर्फ आपके लिए ही दुरूद व सलाम हो। कितनी अच्छी नज़म थी ना, जिसमें सारा अहवाल बताया गया है कि किस तरह से वही का आना रुक गया था और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि वही क्यों नहीं आई है, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है सूरतुज़्ज़ुहा जो है वो उतारी, उसके बारे में बताया। और अब आपने क्या करना है, ये आपने सूरत सुनी, आप सूरत को पढ़िएगा, ज़रूर इसको पढ़िएगा, सूरत को इसके तर्जुमे को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, और बार बार देखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि किस तरह से जो है अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया, उस पैगाम को क्या कहते हैं हम, वही कहते हैं, वेरी गुड। और जब वही नहीं उतरी थी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए थे ना, और फिर कौन सी सूरत उतरी थी आप उसका नाम बताइएगा उनको, ठीक है। और उस सूरत को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और उसका तर्जुमा भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अपनी मम्मा के साथ पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको ये नज़म बताइएगा कि ये नज़म हमने पढ़ी है, ये क्यों पढ़ी है और इसमें क्या चीज़ बयान की गई है, ठीक है, बताएंगे ना। चलें कल इंशाल्लाह हम इसकी न्यू एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.